सांसद संजय भाटिया के गनमैन दीपक राणा पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर असलाह छीन लिया। रात करीब 8 बजे दीपक अपने घर वापस बाल पबाना लौट रहा था। गांव गगसीना के पास बदमाशों ने उसे घेर कर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल गनमैन को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सोमवार रात करीब 9 बजे सांसद संजय भाटिया के गनमैन दीपक ड्यूटी पूरी कर कार से अपने गांव बाल पबाना जा रहा था। गगसीना गांव में एचला मोड़ के पास दो कारों में सवार दर्जन भर युवकों ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले दीपक कुछ समझ पाता, हमलावरों ने लाठी डंडों के साथ ताबड़तोड़ पिटाई शुरू कर दी। बदमाशों ने गनमैन को घायल कर उससे पिस्तल छीन ली और मौके से फरार हो गए। घायल गनमैन को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने दीपक के बयान के आधार पर मामले की छानबीन शुरू करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।